हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो चलिए आज बनाते हैं सांभर। तो सांभर बनाने के लिए मैंने ये ले लिए तूर दाल। ये देखिए, इसी तरह आपको भी तूर दाल ले लेनी है। मैंने 1 कप तूर दाल ले ली है। इसे मैं अच्छे से वॉश करूँगी और कुकर में डाल लूँगी। तो ये मैंने इसे अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे रख देंगे गैस के ऊपर। तो ये मैंने कुकर को रख दिया गैस के ऊपर। अब हम इसमें लगवा लेंगे 3 से 4 सीटी। तो सांभर बनाने के लिए ले लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स। तो ये ले लिए मैंने प्याज, टमाटर, कद्दू जिसे हम पम्पकिन भी कहते हैं, भिंडी ले ली है, और ले लिए बैंगन। और आपके यहाँ अगर ड्रम स्टिक अवेलेबल हो तो आप ड्रम स्टिक भी ले सकते हो। तो ये मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म करके हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पे मैंने ले लिए है 3 टेबलस्पून ऑयल। तो ये मैंने ले लिया है राई और मेथी दाना, और ये ले लिए कुछ कड़ी पत्ता। तो जैसे हमारा तेल गर्म हो जाए हमें इसमें डाल लेने हैं अपने राई और मेथी दाना। जैसे राई और मेथी दाना पॉप होना शुरू हो जाए हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, और फिर अपने अनियंस भी इसी में डाल देंगे। इन्हें हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो ये हमारा प्याज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को भी हमें सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेना है। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो ये हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है रेड चिल्ली पाउडर। इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सांभर पाउडर। मैंने मार्केट वाला सांभर पाउडर लिया, आप होममेड सांभर पाउडर भी ले सकते हो। तो ये इसमें मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून सांभर पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे मसाले अच्छी तरह मिल चुके हैं। इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपने सारे वेजिटेबल्स। अगर आपके यहाँ ड्रम स्टिक हो तो आप इसमें ड्रम स्टिक भी डाल सकते हो। मेरे यहाँ ड्रम स्टिक अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने ड्रम स्टिक स्किप कर दी है। तो इसी तरह हम सब्जियों को अच्छी तरह से मिला के 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। हमें इसे मसालों के साथ ही पकाना है जब तक कि मसाले सब्जियों के साथ लटपट ना जाए। तो अब मैंने ये ले लिया है इमली का पानी। इसे मैं इन्हीं सब्जियों में मिला दूंगी और सब्जियों को अच्छी तरह से पका लूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। कुछ लोग जब दाल बॉईल करते हैं जब भी सब्जियां डाल देते हैं उनमें, जिससे सब्जियां जो है वो ओवर कुक हो जाती हैं। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो सब्जियां ओवर कुक नहीं होंगी और इनका भी टेस्ट आएगा। तो इसी तरह से हमें इन्हें अच्छी तरह से पका लेना है, इससे सब्जियों का भी अलग से स्वाद आपको आएगा। तो अब इस स्टेज पे हमें थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देना है ताकि सब्जियां जो है हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। इसी तरह हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो चलिए अब हम अपनी दाल को भी देख लेते हैं। तो ये हमारी दाल उबल चुकी है। कुछ लोग इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं और कुछ इसमें ब्लेंडर चला लेते हैं। ना हमें ग्राइंडर में डाल के इसे ग्राइंड करना है ना इसी में ब्लेंडर चलाना है। हमें इसी कड़छी के साथ ही इसे थोड़ा थोड़ा सा दबा के मिक्स कर लेना है।
ये देखिए, इसी तरह हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थिक लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। अब हमें सब्जियों में डाल लेना है गुड़, और गुड़ डाल के इसे हम पका लेंगे 1 मिनट तक। इससे हमारा सांभर जो है वो थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा बनेगा। इसी तरह हम इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी दाल। तो ये मैंने इसमें डाल दी है दाल। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि दाल के साथ भी सब्जियां मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थिक लग रही हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। इसी तरह हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा सांभर रेडी है। सब्जियां भी हो चुकी है, अच्छी तरह से पक चुकी है, और सांभर भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है। तो मैं अब इसे निकाल लूँगी एक सर्विंग बाउल में। तो ये देखिए, इसे मैंने निकाल लिया एक सर्विंग बाउल में। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, और खुशबू बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये इस पर मैंने डाल लिया फ्रेश धनिया। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि आज मेरे सारे पड़ोसियों को भी पता चल गया होगा कि आज मेरे घर में सांभर बन रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी और कितना अच्छा इसका कलर आया है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी रेसिपीज अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।